वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी अपन निकल रहे हैं कैंपिंग के लिए। पैकिंग हो चुका है, बस निकलना बाकी है। चलो निकलते हैं। चुके अपन कैंपिंग स्पॉट पे। जगह ढूंढ रहा हूँ, अच्छा सा लेवल वाला ग्राउंड पहाड़ है। इतना बड़ा पहाड़ है, हर जगह पहाड़ ही है। तो जगह तो इतना नहीं रहा, अच्छा वाला जगह मिला है। जाना पड़ेगा, जगह अच्छा है, लेवल वाला ग्राउंड है। गाड़ी को रखता हूँ थोड़ा दूर में। तो जगह ढूंढते ढूंढते मैं पैदल ही इतना अंदर आ गया था। यार यहाँ जितना पत्ता गिरा है ना, सूखा पत्ते पत्ते में ही मेरा खाना बन जाएगा मालूम। लकड़ी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर अपने को क्या है, मैं तो गैस लेके आया हूँ। चलो फिर अब वही सूटेबल जगह लग रहा है मेरे को, उसी को फाइनल करते हैं। और गाड़ी मेरे को यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए पत्थरों के बीच से लेके आना पड़ेगा। वो रहा गाड़ी। पहले गाड़ी लेके आऊँगा फिर बैग, क्योंकि बैग यार आज बहुत भारी हो गया है। क्योंकि बैग के अंदर में पानी वानी सब लेके आ गया था, क्योंकि यहाँ पानी का सुविधा है नहीं। पहले बाइक लेके जाते हैं, बैग के साथ बैलेंस नहीं होगा। चलो पहले ये पत्थरों से बाइक को पार करा लेता हूँ, उसके बाद बैग लेके जाएंगे। तो गाड़ी लेके मैं आ गया, अब उतरते हैं नीचे। नज़ारे चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है। देख लो पहाड़ी पहाड़ है खाली। चलो अब नीचे उतरते हैं यहाँ से। और बैग बहुत जोरदार भारी है, धीरे धीरे उतरना है बैग के साथ बैलेंस बनाते हुए। अगर पैर स्लिप हुआ तो जोरदार गिरूंगा। हाय उतर गया। तो टेंट कहाँ लगाऊं? तो अपना टेंट हो गया सेटअप। अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा रेस्ट,
और यार आज ना जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी तो क्या, एक्साइटमेंट में नाश्ता करना भूल गया। मेरे मम्मी ना नाश्ता बना के रखे थे मेरे लिए, और मैं एक्साइटमेंट में नाश्ता करना ही भूल गया। और बालों को इग्नोर करो, हेलमेट के वजह से ऐसा हो गया। तो रात से मस्त मंडिया का पेज बना हुआ था मेरे लिए। मंडिया मतलब मिलेट्स होता है गैस, उसका पेज बना हुआ था, वो मेरे को पी के आना था। मैं एक्साइटमेंट में जल्दबाजी में निकल गया। मेरे को अभी याद आया भूख लग रहा था रास्ते में, तो मैं 2 ठो यिप्पी नूडल्स लेके आ गया हूँ। अभी नूडल्स बनाएंगे, खा लेता हूँ थोड़ा काम चलाने लायक। उसके बाद लंच का प्रिपरेशन करेंगे, लंच बनाएंगे। तो चलो नूडल्स बनाता हूँ। तो नूडल्स बन के हो गया रेडी। अभी नूडल से ही काम चला लेते हैं, उसके बाद फिर लंच बड़ा तगड़ा करेंगे। फिर लंच का तैयारी भी करना है, लेकिन थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो टाइम हो गया अभी लंच बनाने का। चलो पहले बना लेते हैं अपना सब्जी। तो उसमें बनने वाला है आज प्रॉन्स। इसका अपन बनाएंगे बटर पेपर प्रॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो अपना लंच हो गया रेडी। यह है व्हाइट सॉस पास्ता और यह है बटर और ब्लैक पेपर वाला प्रॉन। ठीक है, बटर पेपर प्रॉन है ये, और यह है व्हाइट सॉस पास्ता। तो ये रहेगा आज का मेरा लंच, फुल इटालियन लंच हो रहा है गाइस ये। तो चलो एंजॉय करता हूँ मैं अपना मील, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, फिर करेंगे थोड़ा रेस्ट। फिर धूप बहुत हो रहा है यार, थोड़ा धूप कम हो जाए फिर थोड़ा इधर उधर घूमूंगा और फिर रिलैक्स करूँगा। तो अपना लंच हो गया कंप्लीट, अभी लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, एक नैप लेंगे। बहुत धूप है यार बाहर, बहुत ज़्यादा धूप है। मैं बस खाना खा के प्लेट धोने गया था, मेरा हालत ख़राब हो गया। ऊपर से मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के आया हूँ। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ, यूट्यूब में थोड़े वीडियोस देखूंगा, मूवीज, और थोड़ा रेस्ट करूंगा। थोड़ा जब शाम होगा तब निकलूंगा बाहर, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं कर रहा था थोड़ा रेस्ट, धूप आ गया मेरे पीछे से इस तरफ, बहुत ज़ोरदार गर्मी लगा, तो मैं अपने टेंट के ऊपर में ब्लैंकेट डाल दिया हूँ, ये देख लो, अब बढ़िया लग रहा है। तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा रेस्ट, हवा चल रहा है मस्त। मैं जितना पानी लेके आया था एक जर्किन में 5 लीटर वाला, उसमें पानी हो गया था ख़त्म, मतलब बहुत कम हो गया था। कल सुबह तक नहीं चलता तो फिर मेरे को यहाँ आना पड़ा पानी भरने। अब पानी भर के मैं रिटर्न जा रहा हूँ, पूरा एक राउंड घूम के आना पड़ा मेरे को बाइक में। तो यार मैं पानी भर के वापस आ चुका हूँ अपने टेंट पे। टेंट ऐसे ही छोड़ के गया था, बंद करके गया था, सामान सब अंदर रख दिया था। और ये रहा पानी, पानी यार थोड़ा सा ना मतलब कलर उसका ठीक नहीं लग रहा मेरे को, तो पानी मैं ऐसे पीऊँगा नहीं, डायरेक्ट पानी को बॉईल कर लूँगा पहले, और ठंडा होने के बाद वापस जर्किन में ही डाल दूंगा। चलो पहले पानी को गरम कर लेते हैं, उबाल लेते हैं थोड़ा। पानी हो रहा है बॉईल, और ये और थोड़ा पानी बॉईल करने के लिए रखा हूँ, इसको पहले बॉईल करेंगे फिर उसको बॉईल करेंगे, फिर सबको डाल देंगे जर्किन में ठंडा होने के बाद। तो गाइस मैं कर रहा था मोबाइल को चार्ज यहाँ पे जनरेटर पे, क्योंकि तो मोबाइल का बैटरी हो गया था बहुत लो। मैं देख रहा था मूवी यूट्यूब में रेस्ट करते हुए, इसीलिए बैटरी थोड़ा लो हो गया। पर से यार वीडियो रिकॉर्डिंग में लो हो ही जाता है, और मैं तो मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ। तो जब तक मोबाइल चार्ज बैठा हुआ था, मैं सूप बनाया, पानी गरम किया, सूप बनाया, सूप बना के पी लिया। अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, तो यार जब तक थोड़ा बहुत लाइट है मैं सोच रहा हूँ
कि मैं डिनर अपना बना लूं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो यार जनरेटर मेरे से दूर पे है, ऊपर है, मेरा टेंट है नीचे, तो लाइट वाइट का प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ डिनर भी बना लेता हूँ, रख लेता हूँ, बाद में जब भूख लगेगा तब खा लेंगे। हाय, नज़ारे मस्त है यार, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है यार जंगल में। और मैं ना यहाँ से ऊपर भी गया था अभी, यहाँ पे ना एक छोटा सा रास्ता है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये ना एक झरना टाइप का है, पहले शायद यहाँ पे ना पानी बहता होगा मगर अब सूख चुका है। सनसेट होने वाला है, मोबाइल भी लगभग फुली चार्ज हो चुका है, तो चलो थोड़ा ट्रैकिंग करने जाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो सनसेट। तो चलो थोड़ा ट्रैकिंग किया जाए। मेरे को ना यहाँ पे अपना टेंट सेटअप करने का बहुत इच्छा था, लेकिन यहाँ पे ना यार थोड़ा प्रॉपर जगह नहीं है। अगर होता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि इसके ऊपर रख के मैं कुकिंग वुकिंग सब कर सकता था। फ्लैट जगह है, चलो कोई नहीं, थोड़ा ट्रैक करते हैं। वो देखो यार कोयल, तो मैं यहाँ से चलते चलते आया। ये एक रास्ता है, मेरे ख्याल से, मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं बीच में भी मेरे टेंट के पास से ना ऐसा घूम के आया था, तो शायद ना ये रास्ता ना ऐसा यहाँ से घूमता हुआ मेरे टेंट के पास जाएगा। चलो देखते हैं होने वाला है। कितना प्यारा लग रहा है सनसेट, यार मेरे ख्याल से ना यहाँ पे ना पहले ना बहुत पानी था, मगर अब पानी पूरा सूख गया। तो उस पहाड़ के पास में रुका हुआ हूँ, टेंट मेरा है वहाँ पे, मैं ऐसे ही घूमते घामते एक्सप्लोर करते हुए आ गया इतना दूर। मैं ना लगभग ये तालाब के पास आ गया चलते चलते, जहाँ से मैं अभी पानी भर के लेके गया था। तो चलो चलते हैं वापस टेंट के पास। कितना बढ़िया लग रहा है देखो पहाड़। तो गाइस मैं अपने कैंप साइट पे आ गया वापस, और अपना टेंट और अपना जनरेटर। चलो आज ना पानी लेके आना मेरे को भारी पड़ गया, ये देखो कितना स्क्रैच हो गया है यहाँ पे, मैं अभी देख रहा हूँ यार। शिट, बहुत ज्यादा स्क्रैच हो गया यार, पता नहीं रबिंग से जाएगा कि नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। गलती किया, पानी लेके आया मैं ऐसे। अंधेरा होने से पहले कुकिंग कर देता हूँ मैं स्टार्ट, कुकिंग अंधेरा होने से पहले ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। जैसे कि मैं आपको बोला जनरेटर दूर में है, मैं लाइट लगा नहीं सकता, और यार मोबाइल में लाइट लगाऊंगा तो फिर बैटरी कम होगा। चलो कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, वैसे भी अंधेरा हो ही गया। तो अभी रात का डिनर के लिए बनने वाला है पूरी और सब्जी। सब्जी बनेगा सोयाबीन
और आलू का, और साथ में पूरी। तो सब्जी अभी तक बना नहीं है, आलू नहीं पका है, बन जाएगा और 5 मिनट। और जितना बचा हुआ तेल था वो मैं वापस रख लिया। तो मेरा डिनर बन के हो गया रेडी।
ये देख लो, ये है पूरी और ये है सोयाबीन और आलू का सब्जी। चलो टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है मगर सब्ज़ी में ना नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं है, खा लेंगे। तो डिनर हो गया है मेरा कंप्लीट, बर्तन को धो दिया हूँ, थोड़ा दूर में रख के आ गया हूँ। तो अभी करूँगा थोड़ा रेस्ट और कुछ मूवीज़ डाउनलोड किया हूँ, मूवीज़ थोड़ा देखना है, मूवीज़ देख लेता हूँ, उसके बाद सो जाऊंगा। मिलूंगा आपसे सुबह। सो तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। तो मेरे टेंट के अंदर आया एक छोटा सा जुगनू, ये रहा जुगनू। गुड मॉर्निंग दोस्तों।